हेलो फ्रेंड, मैं हूं लक्की और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्याज काटने से हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं तथा इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इस आपको पता होगा कि हमेशा मैं साइंस से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक नॉलेज से परिपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्याज काटने का असर हमारी संवेदनाओं पर नहीं पड़ता है। ये तो एक मात्र मामूली सी प्रक्रिया है जो मौजूद प्याज में एक थियोप्रोपेनोल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। दरअसल, प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है जो प्याज के कटने के साथ वाष्प बनकर उड़ने लगती है, और जैसे ही इस वाष्प के संपर्क में हमारी आंखों से होता है वह आंखों में जलन पैदा कर देता है और आंखों में संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लगते हैं। तो आपने दोस्तों ये देखा होगा कि जो भी लोग प्याज काटते हैं हमारे घर में, हमारी माता जी बहन काटती है प्याज है या अपन खुद काटते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। तो दोस्तों, का मेन कारण यही होता है कि प्याज के अंदर एक थियोप्रोपेनोल सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आपकी जानकारी, आपकी जो नॉलेज है, आपका बड़ा होगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, गुड बाय।